terrain or for the benefit of this such a great noble work doing. तो इनका ज़रूर मदद करनी चाहिए ऐसे लोगों को ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम कर सके। जहाँ हमारी बहुत ज़रूरत है इस मुल्क में कि हम गरीबों का कुछ भला करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। लवली अवार्ड। थैंक यू सर। ये अवार्ड दिया है मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उनको लगा कि इस अवार्ड लेने के मैं काबिल हूँ, इसलिए थैंक यू सो मच एंड गुड डे। सबसे पहले तो आप सब जितनी मीडिया आई हैं इस शो के लिए उनको सबको नमस्कार, प्यार भरा सलाम आदाब। और कल्याण जी जाना यानी उन्होंने आई थिंक सेकंड अवार्ड किया है दादा साहब फाल्के के बाद में। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि एक बच्चा जो बाहर से आकर यहाँ सिर्फ सपने देखता है और उसने आज सपने साकार कर लिए सर, कई फिल्में बना ली उसने, उससे बड़ी बात इसने दादा साहब फाल्के अवार्ड किया। उसके अलावा इसने आज ये जो अवार्ड किया, हम लोगों को बुला के, मुझे बुलाया, प्रेम चोपड़ा जी को बुलाया, इसरत अली जी को बुलाया, और भी अली साहब वगैरह काफ़ी बड़े बड़े लोग आए हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इंसान अगर सोच ले तो अल्लाह ताला भगवान ईश्वर भोलेनाथ उसको सपोर्ट करते हैं, वो ज़रूर कामयाब होता है। और क्योंकि ज़िंदगी में कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो प्रॉपर वे से चलते हैं, एक दूसरे का प्यार लेकर, एक दूसरे का गुलाम लेकर। जी हाँ, दर्शनिक मुंबई प्रेस अवार्ड, जी ये मेरे पास इधर नहीं, यहाँ भी है दर्शनिक मुंबई प्रेस अवार्ड। आज ये अवार्ड मुझे मिला, मुझे यकीन मानिएगा हकीकत में बहुत बड़ा अवार्ड मिला, क्योंकि अभी तक मुझे सब अवार्ड दिए मगर ये प्रेस का अवार्ड नहीं मिला, ये पहली मरतबा मिला है। और प्रेस वालों की मैं तहे दिल से इज्जत करता हूँ सर। आज अगर हम लोग जो भी बने हैं, चाहे वो अमिताभ जी हो, शाहरुख खान जी हो, चाहे नीचे में नीचे आ जाइए दिलीप सेन हो, बगैर प्रेस के कोई नहीं बनता है। और आज उनकी तरफ से छठा अवार्ड है ये, तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और बहुत ही गर्व की बात है। और मैं भी चाहूँगा कि प्रेस के लिए अगर मैं कुछ कर सकूँ या मैं कोई काम आ सकूँ तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ हूँ। प्रेस को सलूट है और प्यार है, तो उसके लिए गाना मैं गाना चाहूँगा। चाहे वो तुम्हें चाहेंगे सांसों में बस जाएंगे, वो तुम्हें अपना खुदा हम बनाएंगे। और एक गाना जो हमेशा अक्सर मैं सबके लिए गाता हूँ, होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे जाना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल हूँ मैं सुबह शाम। मीडिया I love you, you love me, प्रेस वालों I love you, you love। जी हाँ, मीडिया प्रेस से ही हम सब कुछ हैं, हम ही नहीं, नेता हो चाहे अभिनेता, बिना प्रेस मीडिया और मतलब इलेक्ट्रॉनिक के कुछ नहीं हो सकता था। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे सोनू निगम जी जब आए मुंबई तो उनको गुलशन कुमार जी ने बहुत सपोर्ट किया, और सपोर्ट के बाद में जब मैं एक फिल्म कर रहा था मेहरबान, तो गुलशन ने कहा यार ये नया लड़का, इसको दिलीप सेन जी आप चांस दीजिए। मैंने कहा सर अभी नया नया लड़का, ये आवाज़ इसकी मैच्योर नहीं लगती, हीरो वाली नहीं लगती। बोले वो बेचना तो मुझे है, आप इनको गवाइए। तो आप यकीन मानिएगा जब सोनू ने उसको गाने को रियाज़ किया और रियाज़ करने के बाद में जब उसने गाया वो गाना, तो आज यकीन मानिए सोनू जी ने तो हज़ारों गाने गाए, लाखों गाने गाए, मगर मेरे लिए मील का पत्थर बना वो इस तरीके से। अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते, कहीं दूर परियों की नगरी में चलकर मोहब्बत का एक आशियाना बनाते। अगर आसमां तक, ऐसे ही मेरा गाना है, गुरिया रे मेरा दिल चुरा के ले जाता, ये चला मेरा जॉली मुकुल जी के लिए। स्वत्या सेठी आई थी, हर गले गले बाल गाल गोरे गोरे अरे ओरे ओरे, मेरी बहकी बहकी चाल कर गई है सा कम उम्र गए छोरे छोरे। इसके बाद में हरिहरन जी आए, हम तुमसे ना कुछ कह पाए, तुम हमसे ना कुछ कह पाए, उसी तरीके से उदित नारायण जी है, कुमार सानू जी है, कई हैं ये गाते बैठूंगा तो काफ़ी गाने हैं। और बाकी आप लोगों का प्यार इतना मिला इंडस्ट्री में कि आज भी आप लोगों की सेवा करते रहता हूँ संगीत के माध्यम से। नमस्कार। मैं इशरत अली शेख और मैं
सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ प्रेस का और जूरीज का और कल्याण जी जाना की वजह से मुझे बहुत मान सम्मान हमेशा मिलता है और मिलता रहेगा, ऐसी उम्मीद है मुझे। और मैं चाहता हूँ कि कल्याण जी जाना जो काम कर रहा है वो हमेशा करता रहे और हम लोगों को मान सम्मान देता रहे। और उसके साथ मैं आप लोगों का भी शुक्रिया करता हूँ कि आज मैं यहाँ हूँ और जो भी मुझे मान सम्मान मिलता है वो सब हमारी ऑडियंस के प्यार और मोहब्बत की वजह से मिलता है। मैं चाहता हूँ कि हमेशा हमेशा हमें प्यार और मोहब्बत मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच कि ये अवार्ड फंक्शन करते हैं, इतने लोगों को बुलाते हैं दूर दूर से और नए पुराने सभी कलाकारों को ये अवार्ड देते हैं, इससे हिम्मत अफजाई होती है। हम सब ने बहुत साथ में काम किया और बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया, जैसे कि खुदा गवाह, सरफरोश, कोहराम, मैं तुझे सलाम, इंडियन, अली बाबा, 40 चोर, 100 से 125 फिल्मों में काम किया। हमारा अवार्ड तो बनता है लेकिन ऐसे लोगों को भी देते हैं जो बेचारे न्यू कॉमर्स हैं, जो अभी स्ट्रगलिंग एक्टर हैं, जो टेक्नीशियन है, स्टिल फोटोग्राफर है, कैमरामैन है, तो ये सब एक हिम्मत अफजाई होती है। और एक आदमी, वो आदमी जिसने ज़मीन से उठ के यहाँ तक पहुँचा, मैं जानता हूँ 20 साल से कल्याण जी जाना को जानता हूँ। जब मेरी फिल्म खुदा गवाह 92 में रिलीज़ हुई थी तो ये मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि अली भाई मैं एक फ़िल्म कर रहा हूँ लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं आपके साथ काम करूँ, आप हर तरह से मैं अनकम्फर्टेबल हूँ। मैंने कहा नहीं, डोंट वरी, अगर आप गरीबों के मसीहा हैं तो हम गरीबों के अब्बा, हम भी बहुत लोगों की मदद करते हैं और हमेशा करता आया हूँ। तो लेकिन चूंकि ये इंडस्ट्री है और काम के साथ साथ पैसे भी चाहिए, हर का हक बनता है, तो वो सब चीज़ है। अब ये जाके स्टेबल हो गए हैं, सबको हर तरीके से बुलाते हैं, ऑनर करते हैं, तो मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपको कैसा लगा? नहीं, मुझे, मैं तो आदी हो गया, मालिक का करा आप सबकी दुआएं हैं, अवार्ड मिल रहा है, अच्छा लगता है। हर अवार्ड अपने आप में एक चैलेंज होता है और बहुत अच्छा लगता है। आप सबसे मुलाकात होती है, आप लोग मीडिया के लोग इतना हम सब कलाकारों को हाईलाइट करते हैं, और अगर मीडिया है तो एक कलाकार है, नहीं तो नहीं। क्योंकि ये है ना कि जैसे खाने के बाद पानी ना पियो तो ऐसा लगता है कि अधूरा है, तो अगर एक्टर को मीडिया अगर हाईलाइट ना करे तो एक्टर बिल्कुल अनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। कल क्रिसमस है, उसकी बधाई देना चाहूँगा, नए साल की बधाई देना चाहूँगा और हमारे मुल्क में जो आज अफरा तफरी चल रही है उसके लिए मैं आप सबसे, आपके चैनल से अपील करना चाहूँगा कि प्रोटेस्ट करना हमारा धर्म है, हमारा मजहब है, हमारा कर्तव्य है, लेकिन शांतिपूर्वक हो। हमारी बात, अगर कोई बात मनवानी है तो हम प्रोटेस्ट करें, खामोशी से करें, सरकार को ये बताएं कि हम आपसे नाराज़ हैं, तोड़ फोड़ ना करें। जो भी जामिया में हुआ या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुआ या और यूपी में हुआ, जो 15 से 20 लोग आज भी मैं न्यूज़ में देख रहा था, तो ये नहीं होना चाहिए। और जो पुलिस वाले जिस तरीके से जो मतलब उपद्रव मचाते हैं, मारपीट करते हैं, उनको सोचना चाहिए कि उनके भी बाल बच्चे हैं, उनके भी बेटे बेटियां स्टूडेंट होंगे, तो स्टूडेंट पे इस तरीके से वार ना करना चाहिए। बिल्कुल नहीं लागू होना चाहिए, इससे मुझे इसकी ज़रूरत क्या है। मान लीजिए कि अगर देश के बाहर से किसी कोने से लोग आते हैं, किसी एक ही मज़हब के आते हैं, नॉन मुस्लिम से आते हैं, हमारे यहाँ के जो नॉन मुस्लिम या मुस्लिम हैं उनके, वो बेचारों के लाले पड़े हैं, उनको तो पहले नौकरियाँ दो, उनको तो पहले काम दो। और ये तो हो गया CAA का, जो जिनको बाहर से लाने की कोशिश है। बाहर जो गए हैं लोग वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी मज़हब के लोग हैं, तो सबको लाइए। और अगर लाएंगे तो जो यहाँ भटक रहे हैं उनका क्या होगा, एक बात। दूसरी बात, NRC जो है आज 1971 के पहले से वो प्रूफ मांग रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों में ऐसा होता है, कुछ टेक्निकल बात मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैं बिहार से हूँ, गया से हूँ, छोटे से गांव से हूँ, वहाँ के ज़माने में, उस ज़माने में पहले क्या होता था कि BMC वगैरह का इतना चलन नहीं था, अपने हिसाब से लोग डेट डाल देते थे, नाम डाल देते थे, सर्टिफिकेट नहीं उनके ग्राम पंचायत में। अभी मेरा ही नाम मोहम्मद आसिफ अली खान, फिल्मी नाम अली खान है, तो अब इसको इस प्रूफ को जुटाने में कितनी गलतियाँ होगी। और मुझे लगता है कि बहुत सारे और भी ऐसे काम हैं, और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको पहले दूर करो। और ये मतलब
उलझाने वाली बात है, जो आप जो वादा किया था उसको तो पहले पूरा करो। सर बात करें तो आखिरी में कि अभी जो इलेक्शन हुए हाल में झारखंड में तो ये बिल को लेके कुछ फर्क पड़ा है क्या? ऑफ कोर्स बिल को लेके पड़ा नहीं, तो इन्होंने तो 65 सीट्स का डिमांड किया था कि बीजेपी की 65 सीट आएगी, लेकिन क्या हो रहा है लोगों में गुस्सा, बहुत से लोग जैसे बहुत हमारे कलाकार साथी जो हैं सामने आके बात नहीं करना चाहते हैं लेकिन अंदर से गुस्से में हैं, चाहे वो अरे भाई हालत बुरी, हालत ख़राब है। हम लोग जो महीने में 20 दिन शूटिंग करते थे, आज हमारे देखिए आ गए भाईजान हमारे, तो हम लोग जो सुनील पाल जी का स्वागत है, हम लोग जो महीने में 20 दिन शूटिंग करते थे आज 2 से 3 दिन शूटिंग होती है। अगर हमें इसके इवेंट्स के लिए न बुलाया जाए तो हमारी बुरी हालत है। सही बात, सुनील पाल जी इसके बहुत बड़ी मिसाल हैं। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि बस इस देश की हिफाजत करना हम सबका फ़र्ज है, तोड़ फोड़ न करें, शांति से अपना प्रोटेस्ट करें, ऐसा मेरा कहना है। थैंक यू भाई। मैं कल्याण जी जाना को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैं सुफियान कपाड़िया आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, आप सब इतना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए। और ये जो कल्याण जी जाना है ये जाने जाते हैं गरीबों के एक्टर के नाम से, पर मैं ये समझता हूँ कि इंसान गरीब या अमीर अपनी सोच से होता है और इनकी सोच बहुत अमीर है, इसलिए बहुत अमीर आदमी है। कल हमने साथ में एक फ़ैशन शो किया जिसमें मैं जूरी था, और ये फ़ैशन शो इन्होंने कुछ ऐसे बच्चों को सड़क से उठाया था जो कि बच्चे भीख मांगते थे या गरीब थे, जिनको अपने घर या अपने मोहल्ले या अपनी गली कूचे के बाहर की दुनिया नहीं पता थी। तो ऐसे बच्चों को उठा करके वो रैंप पे मेकअप वेकअप के साथ, कपड़ों के साथ, खाना पीना एवरीथिंग, एंड रैंप पे चला रहे हैं मॉडल्स का हाथ पकड़ के, तो ये बहुत बड़ी बात है यार, ऐसा कौन करता है? तो यार जो कल्याण जी जाना करते हैं बहुत ही कमाल की बात है, और ये हमेशा अपनों से छोटों को सोचते हैं और उनको लेकर चलते हैं, नए लोगों को मौका देते हैं, तो इसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। और मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये जो दार्शनिक मुंबई प्रेस मीडिया अवार्ड जो ये कर रहे हैं, ये छठी बार कर रहे हैं, पहली दूसरी बार नहीं भाई, छठी बार कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये जो छठी बार हो रहा है तो ये अपने आप में बताता है कि भाई ये पहला दूसरा तीसरा पांचवा सब कामयाब रहे, तभी तो छठा कर रहा है इंसान, तो ये बहुत बड़ी बात है और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इनको। यस जी, मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि मुझे यहाँ पे बुलाए और ऐसे सम्मानित किया अवार्ड दे करके, और मेरी आदत है तो उल्टा पकड़ लेती हूँ, बट हाँ मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूँगी कि SKMH फिल्म्स प्रोडक्शन का, कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझे अवार्ड दिया। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात के लिए हो रही है कि मेरा नया गाना जो आया था एक्सरे मूवी से जिगिलिया, उसके लिए उन लोगों ने मुझे सराहना की, उनको पसंद आया और उन्होंने एज अ टीम हमें अवार्ड दिया है, तो आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर दैट एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट कि ऐसी और आगे बढ़ते रहें। अगर हम बनवत करते जी, अब तक जी कई अवार्ड आपने जीत चुके हैं जी, लेकिन अवार्ड आपके लिए कितना मतलब महत्व रखता है? बहुत महत्व रखता है, ऐसा लगता है कि जब आप कुछ मेहनत करते हैं किसी चीज़ को लेकर के और अगर थोड़ा सा भी अप्रिसिएशन आपको मिल जाता है तो ऐसा लगता है आगे और काम करने के लिए और जोश आ जाता है, तो उस तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है। कोई गाना हो जाएगा? जी जी हाँ जी, जिसके लिए मिला है मैं वही गा देती हूँ। रात के बेला में तो चांद निकल गई, होश मुझे आया तो है जान निकल गई, सुसु सुरूर चढ़ा रे जिगलिया 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 रे जिगलिया जिगलिया जिगी जिगी रे। सर मैं बहुत थैंक यू बोलूँगा कल्याण जी को जिन्होंने हमें इनवाइट किया और इस गाने के लिए। ये गाना मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि ये पूरी टीम, जब आपका अवार्ड मिलता है किसी भी कलाकार को एक टीम के साथ, तो उसको उसका उत्साह बढ़ जाता है। तो स्वाति ने गाया था ये गाना, शब्बीर भाई ने लिखा था, मैंने कंपोज किया था, तो ये बहुत स्पेशल था हम लोग के लिए। और कलाकार के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है सम्मान, अगर उसको सम्मान मिलता है तो उससे बड़ी चीज़ को कुछ नहीं होती उसके लिए। तो एनी टाइम बिल्कुल बहुत बड़ा वाला थैंक्स बोलूँगा मैं इनके ऑर्गेनाइजर्स को, पूरी टीम को, और आशा करूँगा कि आगे भी ये टीम बहुत अच्छा काम करती रहेगी और ऐसे नए नए कलाकारों को बुला के अवार्ड देगी, उन्हें प्रोत्साहित करेगी। थैंक यू जी। जी ये अवार्ड जो कल्याण जी जाना को थैंक्स बोलना चाहूँगा, और इस वो ऐसा बंदा है जो ज़िद पालता है शौक़ नहीं पालता, जो ज़िद पालता है शौक़ अपने आप पूरी होती है, और ये हम लोगों को सपोर्ट करता है अवार्ड, हमें हौसला मिलता है इस अवार्ड से कि हम जो इस फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसे जब हमें सम्मानित किया जाता है तो हमारा हौसला और बढ़ता है। तो थैंक्स टू कल्याण जी एंड थैंक्स टू मीडिया एंड थैंक्स टू
मेरे दर्शक, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। मुंबई प्रेस मीडिया अवार्ड बेस्ट कॉमिक सिंगर का मुझे अवार्ड दिया गया। आमोश सर, इन दोनों क्या चल रहा है उनका गाना? कुछ अभी मेरे रिसेंटली काफ़ी तीन मेरे जी म्यूजिक के साथ बहुत सारे सॉन्ग्स है जो अभी रिसेंटली रिलीज हुए, जैसे तेरे जिस्म एक सीरीज़ है, तेरे जिस्म 1, 2, 3 अभी थर्ड आ रही है जी म्यूजिक के साथ, तो वो गाने भी काफ़ी सराहे गए हैं। मेरा एक सॉन्ग था इश्क वाली बारी जो टी सीरीज़ के साथ रिलीज़ हुआ था, वो भी काफ़ी लोगों ने पसंद किया। फिर एक प्यार होता जा रहा है सॉन्ग का जो भी काफ़ी वायरल हुआ है, और मेरा एक सॉन्ग है जो सबसे ज़्यादा वायरल है वो है नैनो की बात नैना जाने है, तो उसी सॉन्ग के लिए मुझे अभी अवार्ड दिया है। सर गाने नैनो की तो बात नैना जाने हैं, सपनों के रास्तों रहना जाने हैं, तू मेरा है सनम तू मेरा हमदम, तेरे संग जीना अब सातों जन्म। मैं जो स्टेज पे क्या किया है वो दोबारा कहूँगा कि हर अवार्ड छोटा हो या बड़ा, अवार्ड कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, अवार्ड अवार्ड होता है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए कई सालों की मेहनत, शिद्दत और डिसिप्लिन और हुनर चाहिए होता है। तो ये स्पेशली मैं इसीलिए लेने आया क्योंकि जो बाकी अवार्ड्स हैं उनके साथ ये मेरी उनकी भी शान बढ़ाएगा, और इस अवार्ड के लिए मैं डेफिनेटली कल्याण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनके ग्रुप को बहुत बधाई देता हूँ, जिस शिद्दत के साथ वो लोग काम कर रहे हैं और जो सोशल वर्क वो करते हैं उसमें थोड़ा सा हिस्सा हम भी बने तो मुझे बड़ी खुशी हुई है, और अच्छी ऑडियंस है, अच्छा ऑडिटोरियम है, अच्छी प्रेस है। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी हाँ, प्रेस को दिया गया, ये बड़ी अच्छी बात हुई, क्योंकि वही मैं देखता हूँ कि हम जब रेड कारपेट पे जाते हैं तो सब बड़े हमारे पुराने चेहरे भी दिखते हैं, नए चेहरे भी आते हैं, और जिस यू नो पैशन के साथ इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं और उनका आवभगत किया जाता है, वो हमारी छाती वैसे ही चौड़ी हो जाती है, तब लगता है कि शायद हम भी थोड़े बहुत स्टार हैं। तो स्टार बनाने वाले आप ही हैं, तो आपको अवार्ड मिला है ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। पहले तो ये दार्शनिक का जो ये छठा अवार्ड है मीडिया के लिए खास करके, उसको उनके लिए कल्याण जी जाना को मैं बहुत बहुत मुबारक बोलूँगा, और उनकी जो एंटायर टीम है उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और मीडिया के लिए हमें जो अवार्ड दिया गया है मुझे पुष्कर को, तो हम जितने वक्त से मीडिया में काम कर रहे हैं और उन्होंने हमको इस लायक समझा, तो उनके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं इस मीडिया ये जो अवार्ड है उसके लिए सबसे पहले तो मैं ऊपर वाले का भी शुक्रिया करना चाहूँगा, मेरी फैमिली, माई एवरीवन, लेकिन डेफिनेटली हम तो पहले ऊपर वाले का, द अलमाइटी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि वो हमें इस मुकाम पर हमें खड़ा किया है कि हमें किसी ने ऐसा समझा कि सम्मान करें। तो वंस अगेन कल्याण जी जाना बहुत ही, मतलब देखने आए तो वो यू कैन से बहुत पैशनेट है, जो भी चीज़ करते हैं बहुत ही दिल से करते हैं, और एक प्लेटफॉर्म देते हैं सभी को, चाहे वो फिल्म रिलेटेड कुछ हो, डांस से हो, या फिर कोई अवार्ड शो हो, या किसी भी तरह का, वो जो जो काम करते हैं बहुत ही शिद्दत से करते हैं, और जितने भी नए लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, तो उसके लिए मैं दुआ करता हूँ कि वो हमेशा इस तरह से आगे काम करते रहे और ऊंचाइयों को छुए। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। बस कल्याण जी के लिए मैं यही कहूँगा, कल्याण जी ने ये अवार्ड दिया हम सबको, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और उसके सबसे पहले ऊपर वाले का शुक्रिया, और मेरे भाई सोहेल दर को दिया है जो काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट है, आपने देखा ही होगा एक बार बॉलीवुड हलचल, नहीं देखा देख लीजिए एक बार, और मुझे अवार्ड दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ दार्शनिक मुंबई, कल्याण जी और बिजन सर को इस अवार्ड के लिए मुझे इन्वाइट किया गया है, और स्पेशल मैं थैंक्स देना चाहती हूँ मेरे परिवार के लिए, अभी सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये मेरा 2018 और 2019 जस्ट रिसेंटली मैंने 4 गोल्ड मेडल जीता है पावर लिफ्टिंग में, और मैं सबको बोलना चाहती हूँ पावर सपोर्ट, पावर लिफ्टिंग सपोर्ट स्ट्रांग वुमेन ऑफ इंडिया। थैंक यू। बहुत खुशी की बात है, एक आदमी जो है ज़मीन से जुड़ा हुआ, इतनी बड़ी सोच उसकी है, आसमान तक ऊंचाई है उसकी सोच की, तो दार्शनिक जो अवार्ड है उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। अभी मैं नेशनल अवार्ड दिल्ली से सीधा भागकर इधर ही आ रहा हूँ,
वहाँ पर गेस्ट था मैं, और जैसे ही मैं उतरा मैं सिर्फ कल्याण जी जाना एक इंडिविजुअल इतना बढ़िया आदमी है, इस आदमी के लिए कहीं भी आदमी जा सकता है बगैर परवाह किए कि हम किस प्रोग्राम में जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं। तो हमारी दुआएं हैं कि इसी तरह से प्रोग्राम चलता रहे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ये प्रेस वालों के लिए था, मीडिया के लिए, आप सबका प्रोग्राम था ये, आप सबका अवार्ड था। अवार्ड तो हम तो आपके बीच में शामिल हुए, हमारे सौभाग्य है, और पुष्कर को अवार्ड दे करके मेरे को बहुत ज़्यादा दिल से तसल्ली हुई है, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरा जो अपना भाई है उसको अवार्ड दूँ। सबके अवार्ड देने से तो उस भीड़ में से ये चांस मुझे मिला, और मैं दिल से दुआ करूँगा कि पुष्कर भाई आगे बढ़ते रहें, और आप सब जितने भी प्रेस के लोग हैं एक दिन ऐसा टाइम आए कि मैं सबको अवार्ड दूँ, मेरे हाथों से आपको मिले, दुनिया आपको जाने, खुशी होगी मुझे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू जी। काफ़ी सक्सेसफुल अवार्ड रहा है, काफ़ी जी जी बहुत अच्छा था। सबसे पहले मैं आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत सब कुछ किया है, और बहुत सारा लोग आए आज, फिर भी क्रिसमस था उसकी वजह से भी कुछ लोग फिर भी आए, शो बहुत अच्छा था जी। प्रेस प्रेस वालों का तो पहला हक बनता है, क्योंकि हर चीज़ में सबसे पहले कितने टाइम से कितने टाइम तक आप वक्त निकालते हैं, इंतज़ार करते हैं, हर एक एक से इंटरव्यू लेना, हर एक एक के साथ में, इसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों को देना चाहिए। तो कल मैं अपने दादा पालके और देखा, मैं सक्सेसफुल रहा, दार्शनिक के और सक्सेसफुल रहा जी। क्या कहिए, कल्याण जी जैसे, कल्याण जी मिल गए, कलीम भाई मिल गए, के मिल गया, तो जी जी कल्याण जी तो मेरे भाई हैं, उनके लिए तो हर चीज़ तैयार है। उसके लिए हम लोगों ने नेक्स्ट ईयर 2020 पे दादा साहब फाल्के अवार्ड दुबई में कर रहे हैं, एकदम बड़े पैमाने पे। आप सबको भी इनवाइट करेंगे, सारे मीडिया वाले जितने भी हैं आप सबको इनवाइट करेंगे। जी थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओके नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल। आज का दिन बहुत शुभ है, क्योंकि ये अवार्ड फंक्शन है और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कल्याण जी जाना जी की, तो वो अवार्ड देते हैं, वो डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं, उनको हर फन मालूम है, हर चीज़ मालूम है, और वो ज़ीरो से हीरो बने हैं। कल्याण जी जाना नाम जो है वो ज़ीरो था और आज वो हीरो है, तो ये इस इंडस्ट्री की देन है कि यहाँ पर कितने लोग हैं जो ज़ीरो थे और आज हीरो हैं वो। तो इसीलिए मैं सबको ये आग्रह करूँगा, सबसे बोलूँगा कि इस लाइन में ज़रूर कोशिश करें, ट्राई करें, जिसका जो टेस्ट हो वो 100% अवार्ड लेने का हकदार हो जाएगा, जिस तरह से हम सब लोग हो रहे हैं यहाँ पर। ये बहुत अच्छी लाइन है, यहाँ कोई धर्म जाति बिरादरी कुछ नहीं है, सब परिवार का एक माहौल है, और उस माहौल में सब लोग मेहनत करते हैं और अवार्ड मिलता है, किसी को इज्जत मिलती है, किसी को सम्मान मिलता है, तो ये चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है आप सब लोगों के लिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हम जैसे आदमी को इस लाइन में एंट्री मिल गई और हम छोटे मोटे कलाकार बन गए, हर आदमी को हक है यहाँ पर आने का और कलाकार बनने का, डांसर बनने का, एक्टर बनने का, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जो भी बनना चाहे बन सकता है इस लाइन में। यहाँ कोई कुछ पूछता नहीं है, केवल मेहनत काम आती है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है 45 इयर्स का। मैं अंधेरी स्टेशन से यहाँ तक आया हूँ, प्लेटफॉर्म पर सोता था, अभी मैं यहाँ तक आ गया हूँ। सब लोग आप मेरी इज्जत कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। तो ये उस मेहनत का फल है कि आज मुझे आप इज्जत दे रहे हैं, मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मुझे आप फोटो उतार रहे हैं, कल पब्लिसिटी होगी, लाखों लोग मुझे पहचानेंगे। तो इसीलिए मेरा आग्रह यही है अवार्ड के दिन पर कि आप सब लोग अवार्ड के हकदार हैं और कोशिश कीजिए सबको अवार्ड मिले, इसमें सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। अवार्ड फंक्शन जो भी, जितने भी अवार्ड फंक्शन है, चाहे ये आईफा या फिल्म फेयर, अवार्ड का मतलब ये है कि हमने जो किया, जो मेहनत की, उसका परिणाम। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी ऐसे मेहनत करें, आगे बढ़े लाइफ में, और एक से एक अवार्ड अपने लाइफ में पाए। थैंक यू सो मच। ये वाकई बहुत चर्चा का विषय है, क्योंकि इसको जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं वो अपने अपने क्षेत्र में ज़मीन से आकर आसमान के तारे बने हैं, और यही वजह है कि वो हर क्षेत्र के हल्की हल्की और बारीक बारीक जानकारियाँ रखते हैं, और उन्हीं को अवार्ड देते हैं जिन्होंने सचमुच अपने कार्य में, अपने क्षेत्र में एक मुकाम हासिल किया है, एक आयाम हासिल किया है। तो मुझे ये अवार्ड मिला है तो मैं बहुत प्रेरित हुआ हूँ, और मुझे इंस्पिरेशन मिली है
कि और मुझे मेहनत करना है, और दार्शनिक ग्रुप को, मीडिया ग्रुप को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, और इससे जुड़े तमाम टीम मेंबर्स को धन्यवाद, और आप सबको मुबारक हो नया साल। यही तहे दिल से दुआ दे रहा सुनील पाल, लव यू ऑल, जीव हजारों साल। हाँ नमस्कार मीडिया भाइयों, सबको मेरा नमस्कार। ये जो जैसे सुनील पाल जी ने अभी कहा कि बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट था, और तारे ज़मीन पे उतरे थे और ये तारे ज़मीन को संवारा था इन सब ने। मैं तहे दिल से सबकी शुक्रगुजार हूँ। जैसे आप देख रहे हो मेरे हाथ में शो डायरेक्टर का मुझे जो सम्मान मिला है, और मुझे, हाँ मुझे वर्ल्ड पीस का एम्बेसडर बनाया गया है, तो पीस एम्बेसडर बनने का भी बहुत बड़ा सम्मान है आज इस प्लेटफॉर्म पे। वंस अगेन आई थैंक एवरीबडी, अनिल जी, सुनील पाल जी, कलीम साहब जो हमारे दुबई से आए, जो हमारे बैकबोन है इस शो के, वो हमें सपोर्ट नहीं करते तो हम पता नहीं क्या करते। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बाकी आप भाइयों का तो जय हो, जय महाराष्ट्र, जय माता दी। थैंक यू। मेरा हो गया ना, हो गया मैंने कल नहीं जाने से कहा था कि मुझे एंकर रखना, तो मेरे मुंह पे बोला हमें एंकर चाहिए, एंकर नहीं। बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी टू ऑल दी अवार्डीज। एट फर्स्ट कल्याण जी जाना बहुत अच्छा लगा आपको जानकर, आप सबकी जान हो, सबके दिलों की जान हो, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर दी प्रेस्टिजियस अवार्ड्स। और आपने जो मीडिया और प्रेस का फेलिसिटेशन किया, आई थिंक दैट्स कमेंडेबल, बिकॉज जो भी आज हम हैं वो सिर्फ प्रेस और मीडिया की वजह से। सुबह से उठते हैं जब हम मोबाइल फोन्स के साथ रहते हैं, अपने प्रेस के साथ रहते हैं, और सिर्फ थैंक यू एंड अ बिग थैंक यू, मेरी क्रिसमस एंड अ वेरी हैप्पी 2020 इज गोइंग टू बी जमाना सिर्फ प्रेस और मीडिया का। एंड थैंक यू टू सुनील पाल जी, शुभ जी एंड कल्याण जी जाना, थैंक यू सो मच। टू बी एन ऑनर टू बी द रेसिपियंट ऑफ द अवार्ड, एज वेल एज थैंक यू टू फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया कि आप सबके जिंदगियां संवारते हो और हमें चार चांद हमारी जिंदगियों में लगाते हो। आई थिंक यूल आर पार्ट ऑफ आर लाइव्स। हर सुबह आपके सिर्फ नाम होते हैं, चाहे वो पब्लिकेशन हो, चाहे वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या कोई भी चैनल हो। सर थैंक यू टू ऑल आर लवली फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया, लॉट्स ऑफ लव। सबसे पहले मैं सभी मीडिया को सॉरी कहता हूँ कान पकड़ के, क्योंकि उस मीडिया ने मुझे, हमें, इन सभी के लिए रुका है, अभी तक रुका है। तो सब मिलकर हम लोग मीडिया को सैल्यूट करते हैं एक बार। थैंक यू सो मच, आप लोग रुके हो, अभी तक रुके हो, इसलिए आप सभी को दिल से शुक्रिया। कुछ खाए पे नहीं, हाँ, एंड नहीं, मीडिया कभी भी जिंदा, एकदम जिंदा दिल है वो जिंदा दिल है, हाँ जिंदा दिल है, इसे जिंदा दिल है। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ तमाम मेरे पार्टनर, मीडिया पार्टनर, सेंट एंड्रूज ऑडिटोरियम, थैंक यू सो मच सेंट एंड्रूज ऑडिटोरियम, जिन्होंने हमें इतना अच्छा जगह दिया उन्होंने, और सेंट एंड्रूज के हमारा सर है जिन्होंने बोला कल्याण जी आपको मैं देगा, तो चिंता मत कर, तू शो करेगा, तो थैंक यू सर। एंड मैं थैंक यू का लिस्ट बहुत बड़ा है, तो पहले से मैं शुरू करता हूँ। माय ब्रदर जो दुबई से आया है, हमारा पार्टनर जो दास है, फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म 2020 अगस्त को मैं कर रहा हूँ दुबई में। तो अभी से आप सभी मीडिया को निमंत्रण है, हम लोग 20 मीडिया को पास दे रहे हैं दुबई का, और सिंगल पास मिलेगा, सिंगल टिकट मिलेगा, जाना आना किसी फैमिली के साथ नहीं, हम लोग 20 मीडिया को हम लोग टिकट दे रहे हैं दुबई, जाना आना, रहना खाना, एवरीथिंग इंडिया से हम लोग लेके जा रहे हैं दुबई में, क्योंकि इस मीडिया ने मुझे बड़ा बनाया, इस मीडिया ने मेरे को शो को चलाया, और जब अभिषेक मिश्रा ने मेरी बुच मारा था, तो इसी मीडिया ने मेरे को सपोर्ट किया था। तो अभिषेक मिश्रा, मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, तुम यहाँ पे जियो हजारों साल, मेरे बीवी का बर्थडे है तभी भी आपको मत रहा हूँ, तुम्हारा बर्थडे भी आएगा, तुम यहाँ पर अवार्ड शो करो, तुमको मैं छोड़ दिया। और उत्तम सर, मेरा उत्तम भाई है जो सूरत से आया है, उसने भी मुझे बोला है जो हम लोग दुबई करेंगे। अभी शेख कलीम साहब जिसने हमारे ऊपर केस किया था जी, उसको हम छोड़ रहे हैं, माफ कर रहा है, तुम करो इंडिया में, हम जा रहे हैं दुबई, हम दुबई में शो कर रहे हैं दादा साहब फाल्के 6 अगस्त 2020 को, जिसमें 20 मीडिया को हम लेके जा रहे हैं। शेख कलीम साहब आई लव यू सर।
थैंक यू सर, थैंक यू सर। शेख कलीम साहब की वजह से मेरा दुबई में शो होने जा रहा है, उसके बाद नेक्स्ट शो शो मनोद्रा मेरी मम्मी ने कहा है हम लोग करेंगे नेपाल में, नेक्स्ट शो होगा नेपाल में और उसके बाद करेंगे हम सिंगापुर में। एंड सिंगापुर से आई है मैडम सुमन कुमारी मैम, थैंक यू सो मच सुमन कुमारी मैम। मेरे साथ में ये देखिए इनका डॉक्टर का डॉक्टर के साथ साथ एक अच्छे इंसान है, मेरे बड़े भाई है, हर काम छोड़ के यहाँ पर आए हैं डॉक्टर अजय सहाय साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये आदमी फ्लाइट पकड़ रहा था तो 15 बार फोन करता कल्याण जी मैं आ जाना तुझे कुछ देना है, तो जो आपका आपने जो सपोर्ट किया है मुझे मेरे शो में बहुत अच्छा हेल्प हुआ है, मैं बोल नहीं सकता, थैंक यू सो मच। मतलब एयरपोर्ट के पहले मुझे धन देने दे के बाहर बाद में गए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लवली सर कल्याण आपके लिए ये मेरे लिए गिफ्ट है शेख कलीम साहब लेके आए दुबई से, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं मीडिया में आज इंटरव्यू नहीं देगा, मैं थैंक यू बोलेगा आज सबको क्योंकि वही मेरा इंटरव्यू है। प्लीज मेरे को आप लोग माफी आप सभी से मैं माफी मांग रहा हूँ। मेरी लवली वाइफ अंकिता बंबुलकर मीडिया में कुछ नहीं बोलेंगे भाई, मीडिया में एक ही है, कोई लड़की नहीं पटाएंगे, मैं मेरी एक ही है, पटा लिया है मैंने, पटा लिया हूँ और वही यही है जिंदगी भर, कोई किसी लड़की को मैं देखेगा नहीं, मैं अभी बोल दिया मेरे पीछे है, आप बोल भी नहीं दोगे तो भी विश्वास है मुझे। या ये हमें यूएसए हमें फेस जो आज सर्टिफिकेट दिया है बहुत डिप्लोमा वो सर्टिफिकेट जो मेरे लिए बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। अनिल सर आई लव यू सर, अनिल सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अशफाक जी और सचिन जी अल्टीमेट, मतलब इतना अच्छा उन्होंने हमें सजाया है, साथ दिया है, डायरेक्टर है दोनों मेरा शो का, अशफाक शेख और सचिन यादव सर आई लव यू सर, आई लव यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एंड शुभ मनोद्रा मेरा मामा, ओ हो जे कभी मतलब बिना पैसे के बिना वो शो नहीं करते लेकिन आज अपने बेटा को सपोर्ट करने के लिए पीछे से सपोर्ट कर रहा है, मतलब जहां पर बैक स्टेज में वो कभी नहीं होते हैं, जज बन के गेस्ट बन के सामने बैठती है लेकिन बेटा के लिए वो पीछे बैक स्टेज संभाला, मैं सैल्यूट करता हूँ आज मामी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जो गेस्ट बैठ के आप बैठते हो सतमान जो है हमारा कास्टिंग डायरेक्टर है, उन्होंने बहुत जो उनकी जो पूरी मॉडल है उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, सिमरन आहूजा जो अच्छा ऑसम मतलब इतना अच्छा होस्ट किए हैं, उसके साथ साथ हमारे अनिल भाई हैं, अनिल शाह जो युवा के बहुत बीजेपी के युवा नेता है अनिल शाह, उसके बाद हमारे गौरव अनिल शाह, उसके बाद हमारे धमेता जी, अरविंद जी मेरे भाई, नेहा जी जी मेरी बहन है, मैं तमाम 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 लोगों के नाम नहीं मैं ले आता मैं भूल जाएंगे। हाँ एच बी एन एन जो कंपनी है जो मुझे सपोर्ट किया है, मैं सबसे पहले बिनर्स थैंक यू। पहले ना मेरा आज बर्थडे है, सबको मैं थैंक यू कहूंगी, बट मेरे जिन्होंने मुझे जन्म दिया मैं पहले उनके यहाँ पे बुलाना चाहती हूँ। यस, उनका नाम है आरती बंबुलकर, प्लीज वो आए मेरे मम्मी, बोलो ये कल्याण जी जाना मेरे बेटे के जैसे थे, अब तो मेरे दामाद है, मैं बहुत खुश हूँ मेरे दोनों बच्चों के ऊपर। मतलब घर पे बाहर नहीं, पहली बार। हाँ जो आज ऐसे रास्ते पे तो पहली बार है। मैं सबसे पहले ये इनको मुबारकबाद दूंगी, विनर्स ऑफ मिस्टर एंड मिस आइकॉन दर्शनिक मुंबई 2019। और ये बच्चों ने जो जलवा दिखाया है, 6 घंटे की इनकी ट्रेनिंग थी और आज आप देख रहे हैं। हमारी विनर है मिस करिश्मा राव और मिस्टर आरव, ये दोनों से अभी आप खुद सुनेंगे इनको कैसे लगा। एंड आई थिंक वी योर गाइज डिजर्व अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एंड थैंक यू वेरी मच, वेल डिजर्व्ड। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स, बिकॉज हर किसी के सर पे ताज है, हर कोई विनर है, कोई खाली हाथ नहीं गया यहाँ से। एंड आई विश ऑल ऑफ देम वेरी वेल, थैंक यू।